इंदौर में आए दिन सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ ऐसा ही मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के रेडिसन चौराहे का है, जहां मॉर्निंग वॉक पर गई अध्यापिका महिला को तेज रफ्तार बेलगाम वॉल्वो बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के रेडिसन चौराहे का है, जहां मॉर्निंग वॉक पर स्कूल अध्यापिका अरुणा शर्मा को तेज रफ्तार बेलगाम बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सर में काफी गंभीर चोटें आई थी। तत्काल राहगीर द्वारा 108 की मदद से अरुणा को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान अध्यापिका महिला अरुणा की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए बस चालक सहित बस को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। एक अरुणा पिता गोविंद शर्मा है, कल सवेरे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और अपनी साइकिल से वो साइकिलिंग थोड़ी कर रही थी, तो रेडिसन के पास में एक तेज़ गति तेज़ रफ्तार से एक बस ने उनको डैश किया। उसमें उनकी इलाज चलता रहा, जिनकी आज शाम को डेथ हो गई है। और वो पेशे से शिक्षिका थी, और ये जो बस थी उस बस को तत्काल ही पुलिस ने राउंड अप किया, बस को पकड़ा और उसके ड्राइवर को अरेस्ट किया और बस को पुलिस के कस्टडी में लिया हुआ है विजयनगर थाना क्षेत्र।